देखिए बिल पॉलिसी हम लोग लगभग बना चुके हैं, और उसमें पहले तो था कि हम लोग एक ही फिल्म पॉलिसी बना रहे थे जिसमें सारे फिल्मों को समाहित कर, अब हम लोगों ने उसमें तय किया कि भोजपुरी को प्राथमिकता देते फिल्म पॉलिसी को हम लोग लाए, तो उस पर हम लोग अंतिम निर्णय पर पहुंच चुके हैं। जल्द ही आप लोग के मतलब कह सकते हैं 1 से 2 महीने के अंदर में आप लोग के बीच में फिल्म पॉलिसी। बिहार में लंबे समय से फिल्म सिटी बनाने की जो मांग है वो अब जल्द ही खत्म हो जाएगी, और जो भी भोजपुरी जगत के कलाकार हैं या फिर हिंदी सिनेमा के कलाकार, उनको एक बड़ी खुशखबरी बिहार सरकार देने जा रही है। ऐसे में अब इसको लेकर बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही ये बनेगा, इस पर विचार किया जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार ये मांग उठ रही थी कि बिहार की भी अपनी फिल्म सिटी हो, जो बिहार के कलाकार हैं उन्हें बाहर जाकर फिल्म बनानी पड़ती है, काफ़ी महंगी पड़ती है फिल्में, तो ऐसे में अब इसको लेकर कला संस्कृति विभाग पूरी तरह से तैयार है। और बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय ने साफ कर दिया है कि अब जल्द ही जो फिल्म सिटी है वो बन जाएगी, ताकि भोजपुरी फिल्म बनानी हो या फिर हिंदी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, शूटिंग में भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। क्या कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री जितेंद्र राय, पहले हम आपको सुनाते हैं। देखिए फिल्म पॉलिसी हम लोग लगभग बना चुके हैं, और उसमें पहले तो था कि हम लोग एक ही फिल्म पॉलिसी बना रहे थे जिसमें सारे फिल्मों को समाहित कर, अब हम लोग उसमें तय किया कि भोजपुरी को प्राथमिकता देते फिल्म पॉलिसी को हम लोग लाए, तो उस पर हम लोग अंतिम निर्णय पर पहुंच चुके हैं। जल्द ही आप लोग के मतलब कह सकते हैं 1 से 2 महीने के अंदर में आप लोग के बीच में फिल्म पॉलिसी है। फिल्म सिटी पर अभी कोई इस प्रकार का मतलब योजना है, लेकिन पहले फिल्म पॉलिसी आ जाए उसके बाद ही ना फिल्म सिटी पर चर्चा किया जाए तो ज़्यादा बेहतर। हाँ, उन सब चीज़ों पर जो अदर प्रदेश में जो फिल्म पॉलिसी है उन सभी का अध्ययन करके एक बेहतर फिल्म पॉलिसी बिहार का हो, उस पर हम लोग काम करें। बिहार पॉलिसी में ही वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बिहार में जितना काम हो रहा है काम पर होगा चुनाव, और जो लोग मान लीजिए 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा किए थे, काला धन लाने का वादा किए थे और 15 लाख खाता में देने का वादा किए थे, तो वो सारी चीज़ें तो फेल हो गई हैं। तो बिहार की जनता करीब से देख रही है। अब आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव की बात कीजिएगा तो आप भी जान रहे हैं कि वहाँ जब चुनाव होता है तो वहाँ सत्ता परिवर्तन होता है। उस प्रदेश में लगातार यही ट्रेंड चला आ रहा है। अब बिहार उससे अलग है, और यहाँ पर लगातार काम चल रहा है और लोगों के हित का काम हो रहा है, इसलिए महागठबंधन 40 में 40 सीट जीतने जा रही है। क्या असर पड़ेगा बिहार में? साफ तौर पर जिस तरह से बिहार में लगातार फिल्म सिटी बनाने की मांग हो रही थी, तो ऐसे में अब इसको लेकर कला संस्कृति युवा विभाग तैयारी कर रहा है और जल्द ही जगह को चिन्हित कर बिहार में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। वहीं साफ तौर पर बिहार सरकार के मंत्री जितेंद्र राय ने साफ कहा है कि MP में जिस तरह से भाजपा ने यादव कार्ड खेला है तो उससे बिहारियों को कोई नुकसान नहीं होगा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को खासकर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, और कितने भी बड़े नेता आ जाएं बिहार को कोई नुकसान नहीं होगा। बिहार में जो नेता है जिन्होंने बिहार के लोगों के लिए काम किया है उसको हर कोई जानता है। भाजपा यादव कार्ड खेले या कोई भी कार्ड खेले, नुकसान भाजपा का ही होगा। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़, पटना।